दोस्तों वीवो अपना न्यू स्मार्टफोन वीवो V40 Pro 5G को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने के लिए तैयार है। इसका इंडिया लॉन्च डेट ऑफिशियली कन्फर्म हो गया है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ये फ़ोन लुक वाइज कैसा होगा, इस फोन में क्या क्या चीज़ें मिलेगा और ये फ़ोन कितने प्राइस पे इंडिया में लॉन्च होगा और सारे डिस्काउंट के बाद ये फ़ोन आपको कितने में मिल सकता है। साथ ही साथ इस फ़ोन का इंडिया लॉन्च डेट भी बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं पूरे डिटेल्स में वीवो V40 Pro के बारे में। सबसे पहले इस फ़ोन के लुक का बात करें तो ये फ़ोन बैक साइड से कुछ इस तरीके का होगा, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। बैक साइड से फ़ोन बहुत अच्छा होगा। इस फ़ोन के बैक साइड पे मेट फिनिश में ग्लास का बैक रहेगा, फ्रेम प्लास्टिक का ही होगा और इसमें 3 कैमरा का सेटअप होगा और एक LED फ्लैश मिलेगा और कैमरा मॉड्यूल में जाइस का ब्रांडिंग होगा और फ़ोन इन हैंड फील में भी बढ़िया होगा। जब आप फ़ोन को हाथ में लेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील देगा। वहीं फ़ोन फ्रंट साइड से कर्व डिस्प्ले के साथ आएगा जो कि सेंटर पंचोल वाला होगा, जहाँ साइड का बेजल और चिन्ह बहुत कम रहेगा। फ़ोन फ्रंट साइड से भी बढ़िया होगा। वहीं इस फोन के डिस्प्ले का बात करें तो जो लेटेस्ट अपडेट आया है उसके अकॉर्डिंग इसमें 6.7 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा जो कि सेंटर पंचोल वाला कर्व डिस्प्ले होगा। इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी रहेगा, इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी होगा और इसमें 4500 निट्स तक का पीक ब्राइटनेस भी रहेगा। देखिए फोन डिस्प्ले में अच्छा होगा, जब आप फोन को चलाएंगे तो फोन चलाने में आपको बहुत बढ़िया लगेगा। फोन मक्खन का जैसा चलेगा, स्क्रोलिंग में, ब्राउजिंग में, नॉर्मल यूज में बेस्ट होगा और वीडियो व्यू एक्सपीरियंस में भी बहुत अच्छा होगा। जब आप इसमें कोई भी 4K वीडियो प्ले करेंगे या कोई हाई रेजोल्यूशन का सॉन्ग प्ले करेंगे, आपको व्यू एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलेगा। डिस्प्ले में फोन आपको सेटिस्फाइड करने वाला है। वहीं इस फोन के प्रोसेसर का बात करें तो ये फोन मीडियाटेक के डायमेंसिटी 9200 प्लस प्रोसेसर के साथ आएगा जो कि 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पे बना है, तो बैटरी इफिशियंट भी है और इसका NT2 स्कोर 1,500,000 के आसपास रहेगा। और जब आप इस फोन में गेमिंग करेंगे हाई सेटिंग पे भी, तो गेमिंग बहुत अच्छे से कर पाएंगे और एक गेमिंग करने वाले यूजर के लिए फोन बेस्ट होगा। खास करके जो लोग BGMI PUBG ज़्यादा खेलते हैं उन लोगों के लिए फोन परफेक्ट होने वाला है और एक नॉर्मल यूजर के लिए ये फोन और ज़्यादा बढ़िया होगा। वहीं इस फोन का स्टोरेज और रैम टाइप का बात करें तो ये फोन LPDDR5X रैम और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप के साथ आएगा। और जब आप इस फोन में कोई भी ऐप को ओपन करेंगे या क्लोज करेंगे या कोई एप्लीकेशन को फोन में इंस्टॉल करेंगे या एक ऐप से दूसरे पे स्विच करेंगे तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से होगा। फोन स्टोरेज और रैम टाइप में भी बेस्ट होगा। वैसे अगर ये फोन UFS 4.0 स्टोरेज टाइप के साथ आता तो ज़्यादा बढ़िया होता। वहीं इस फोन के बैटरी का बात करें तो ये फ़ोन 5500mAh के बैटरी के साथ आएगा, जहां 80 वाट के फास्ट चार्ज का सपोर्ट भी मिलेगा, तो फ़ोन बैटरी में भी बेस्ट होगा। और ये फ़ोन डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ आएगा तो फ़ोन मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस में भी बहुत अच्छा होगा। और ये फ़ोन IP68 रेटिंग के भी साथ आएगा तो फ़ोन बारिश और डस्ट को भी आराम से झेलने वाला है। और ये फ़ोन 5G कनेक्टिविटी के साथ आएगा, इंडिया के सारे इंपोर्टेड ब्रांड का सपोर्ट इसमें मिलेगा, फ़ोन 5G कनेक्टिविटी में बेस्ट होने वाला है। वहीं इस फ़ोन के कैमरा का बात करें तो ये फ़ोन रियर साइड से ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आएगा, जहां की मेन कैमरा 50 MP का होगा, इसमें OIS भी रहेगा और इसमें सोनी का IMX921 का सेंसर मिलेगा और 50 MP का अल्ट्रावाइड कैमरा होगा, इसमें सोनी का IMX816 का सेंसर मिलेगा और 50 MP का टेलीफोटो लेंस होगा जो कि 3x ऑप्टिकल जूम के साथ आएगा और सेल्फी में 50 MP का सेल्फी कैमरा होगा। देखिए फोन का कैमरा सेटअप बहुत अच्छा होगा और इस फोन का कैमरा का लेंस जाइस का रहेगा, तो जब आप इस फोन के कैमरा से कोई फोटो क्लिक करेंगे या वीडियो रिकॉर्ड करेंगे क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त निकाल के देगा। डिटेलिंग को बहुत अच्छे से मेंटेन रखेगा, कलर को भी अच्छे से बैलेंस करेगा, लो लाइट में भी अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छे लाइट कंडीशन में भी अच्छा परफॉर्म करेगा, पोर्ट्रेट शॉट्स भी कमाल का निकाल के देगा और इस फोन के कैमरा में जाइस का लेंस मिल रहा है, इस वजह से फोकस एक्यूरेट होगा और फास्ट भी होगा, थोड़ा सा भी जिटर नहीं करेगा। कुल मिलाकर के देखिएगा तो फोन कैमरा में बहुत अच्छा होगा और आप लोगों को सेटिस्फाइड भी करने वाला है। वहीं इस फोन के वेट और थिकनेस का बात करें तो इस फोन का थिकनेस 7.6 mm रहेगा और इसका वेट 192 grams होगा और इस फोन में 3.5 mm का हेडफोन जैक नहीं मिलेगा और ये फोन ओनली डुअल सिम सपोर्ट के साथ आएगा, इसमें आप मेमोरी कार्ड नहीं लगा पाएंगे। और ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 14 के साथ आएगा और इसमें 3 साल का मेजर अपडेट और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिल सकता है, तो ये फोन एंड्रॉयड 17 तक जाने वाला है। दोस्तों यही सब पूरा डिटेल्स था ये वीवो V40 Pro से रिलेटेड जो कि इस वीडियो में आपको बताए हैं। ये सब डिटेल्स से तो देखिए साफ क्लियर है कि फोन सारे चीज़ों में बेस्ट होगा, चाहे डिस्प्ले हो, बैटरी हो, परफॉर्मेंस हो, कैमरा हो, मल्टीमीडिया हो, सारे चीज़ों में परफेक्ट होने वाला है। वहीं इस फोन के प्राइस की बात करें तो दोस्तों लीक्स में बताया जा रहा है कि इसका बेस वेरियंट का प्राइस इंडियन मार्केट में 42,000 रुपया रहेगा जो कि लॉन्च प्राइस होगा और कार्ड डिस्काउंट के बाद ये फोन 38,000 या फिर 39,000 में आपको मिल सकता है। वहीं इस फोन के इंडिया लॉन्च का बात करें तो दोस्तों ये फोन इंडियन मार्केट में 7 अगस्त को लॉन्च होने वाला है, ये ऑफिशियली कन्फर्म हो गया है, 7 अगस्त को ये फोन इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगा। वैसे दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जो भी अपडेट आया था वीवो V40 Pro से रिलेटेड वो सारा डिटेल्स आपको बता दिए। वैसे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।